नमस्कार, मेरा नाम मानसी पटेल है। मैं बंबई से आई हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर किया हुआ है, गुजराती सीरियलें काफ़ी की हुई है। कम से कम 20-22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मेरे पति के एक मित्र हैं बंटी श्रीवास्तव भैया, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया। ऐसे एक दिन वो उन्होंने एक कुछ कार्यक्रम का इनविटेशन हमें भेजा था कि ब्रह्म कुमारी उसमें कुछ कार्यक्रम है, आप लोग आइए देखिए, अनुभव कीजिए। आने का सोच भी रहे थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ कुछ कारणवश। मैं भी बिजी थी, मेरे हस्बैंड भी बिजी थे, बच्चा छोटा है, उसकी स्कूल, सब हम लोग, मतलब वो पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ साल, 1.5 साल गुजर गया, उनसे बातें होती रहती थी, वो हमें इन्वाइट करते रहते थे कि वो कब से हमें बोल रहे हैं, तो वैकेशन है तो चलो हम लोग जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, देखते तो है कि क्या है वहाँ पे, इतना वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और फिर हम लोग 26 को यहाँ पहुँचे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। आई उतरी, जैसे मैंने ये जगह देखी, एक अंदर कुछ एक डिवाइन फीलिंग आने लगी, कुछ एक अलग सा अनुभव करने लगी। मेरे बेटे ने मुझे रोते देखा तो बोले, पापा क्या हुआ है, आप इतनी इमोशनल अचानक क्यों हो गई? मैंने बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बट जस्ट लेट मी काम डाउन। थोड़ी काम डाउन हुई, लोगों से मिली, फिर जैसे शाम हो गई, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा सब घूमने चले गए और मैं जाके वो लोटस वाला मेडिटेशन रूम है, मुझे यहाँ के अभी भी जगहों से बहुत मैं परिचित नहीं हूँ, वो मेडिटेशन रूम में जाके बैठी बाबा के सामने बैठी, और जैसे मैं बैठी, अकेली थी रूम में, कोई नहीं था। पता नहीं मुझे क्यों रोना आ गया, फिर रोने लगी। 2 दिन से यहाँ आई हूँ, तब से रात को भी बहुत रोई हूँ, मेरी आंखें भी आपको सूजी हुई दिखेंगी, बहुत रोई 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 रोई। और फिर मन बहुत हल्का हो गया रो रो के। अचानक आदमी, इंसान का क्या होता है, इतने सालों से आप बाहर की दुनिया में रहे हो तो वो भी याद आता है, आपके कर्तव्य याद आते हैं, फिर लगता है कि मतलब हम जो जिंदगी वहाँ जी रहे हैं कितनी स्ट्रेसफुल है, कितने सालों से कितने स्ट्रेस में आप जीते आ रहे हो, काम के चक्कर में, फैमिली, ये वो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ खुश नहीं हो, खुश तो हो, हस्बैंड है, बच्चा है, फैमिली है, काम अच्छा चल रहा है, घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर चीज़ से तृप्त है, सब है, फिर भी कोई एक अंदर एक खालीपन लगता है जिसको आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट इज़ विद इन यू, यू गो थ्रू इट, यू आर गोइंग थ्रू इट, आप किसी को समझा नहीं सकते। और वही जब मैं यहाँ आई ना, उसके बाद जो मैं फील करने लगी, उसके बाद ऐसा महसूस करने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो दुनिया है उससे ज़्यादा यहाँ अगर आप रहते हो तो कितना डिवाइन, कितना पीसफुल फीलिंग जो आपको मिल रही है, वो एक अलग अनुभव है जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो आप ही जानते हो, वो आपको। अब मैं बाहर जाऊंगी, मेरी बहनें, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको समझाऊंगी कि यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू स्टॉप समवेयर, कहीं तो रुक जाइए और फिर अपने आप पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालिए जिसमें आप बैठ कर वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो आप एक, जो यहाँ आने के बाद जो मुझे कनेक्शन फील हो रहा है ना, मैं गणपति बापा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत मानती हूँ गणपति बापा को, और गणपति बापा कोई भी मेरे प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं, 10 में से 8 प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए, ये कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं जिंदगी में, छोटे मोटे प्रॉब्लम भी होते लाइफ के, तो भी मैं उनसे बात करती हूँ, आई टॉक टू हिम, जैसे मैंने उस दिन बाबा से बात की। तो वो जो मुझे उस दिन बाबा के साथ बैठने से, मैंने 1-to-1 उनसे बातें की,
और उसमें जो अनुभव मुझे मिला वो मैं अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी जाके, कि फैमिली में रहते हुए भी आप कैसे कनेक्टेड रह सकते हो। मैं भी सीख ही रही हूँ, मुझे करना भी है, मुझे क्लासेस करने हैं। मैं वहाँ बम्बई जाने के बाद मैं क्लासेस जाऊँगी, उस 7 डेज का कोर्स करूँगी, मेडिटेशन सीखूँगी, योगा सीखूँगी, और वहाँ रहकर मैं किस तरह से अपने संसार में रहकर भी किस तरह से मैं यहाँ के लोगों के कुछ काम आ सकूँ उसकी कोशिश करूँगी, अपने आप को भी शांत रख सकूँ उसकी कोशिश करूँगी। बस मेरा अनुभव तो यही है कि भाई आप सब लोगों के लिए जो भी अब ये प्रोग्राम देखेगा कि जीवन में अपने आप के लिए भी कुछ वक्त निकालिए, अपने बारे में भी सोचिए, फैमिली ये सब कुछ है उनको छोड़े बिगर अपने लिए भी कुछ वक्त निकालिए और यहाँ ब्रह्म कुमारी इसमें आके देखिए, एक अलग सा अनुभव आपको मिलेगा। शायद कहीं और मिले ना मिले, मैं बहुत से आश्रमों में नहीं कहीं गई नहीं हूँ, मैं यहीं आई हूँ, मंदिरों में बहुत गई हूँ क्योंकि मेरी शादी गुजराती से हुई है, तो मैंने स्वामी नारायण के मंदिर भी बहुत विजिट किए, गणपति बापा के सिद्धि विनायक के मंदिर जो है वहाँ पर मैं जाती आई हूँ, बहुत सारे गोवा के मंदिर में मैं बहुत बार जाके आई हूँ, वो भी एक अलग डिवाइन फीलिंग है, ये भी अलग डिवाइन फीलिंग है। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि लोग आए देखें अनुभव करें, जो अनुभव मैंने किया शायद उन्हें भी वो अनुभव आए। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यहाँ पे कि आपका जो एक अनुभव है वो है एक बाबा का कॉल है, उसका योग आना था, शायद अब आ गया है वो, मुझे कोई मार्ग चाहिए था ज़िंदगी में अपने आप को शांत करने के लिए, तो शायद वो मार्ग मुझे अब दिख रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, बस इतना ही कहूँगी कि आप आइए, जो मैंने अनुभव किया है वो आप लोग भी अनुभव कीजिए, एक अलग अनुभव है वो, एक शांति मिलेगी आपको भागा दौड़ से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। यहाँ पे आके साल में कुछ दिन निकालिए, आपके घर के आसपास जहाँ पे भी कोई सेंटर्स हो वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप पहले वहाँ से शुरुआत कीजिए, करते 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 आप यू विल रियलाइज व्हाट यू आर मिसिंग ऑल दिस इयर्स। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ओम शांति चैनल के लिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, एक अलग अनुभूति आपको मिलेगी। Thank you.